खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में यमुना एक बार फिर से अपने उफान पर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोहे के पुल के पास और यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो यमुना का बहाव है, जो जलस्तर वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि जो खतरे का निशान बताया जाता है जो यहाँ पर 205.33 मीटर बताया जाता है और इस वक्त जो यमुना का जलस्तर है वह 205.14 मीटर है, जो कि खतरे के निशान से कुछ ही नीचे रह गई है और बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये अपने खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। चूंकि कल शाम को हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से तकरीबन 8.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका सर आपको यहाँ पर यमुना में भी दिखेगा, क्योंकि वहां से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसे दिल्ली पहुंचने में तकरीबन 72 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 36 से 48 घंटे में जो हथनीकुंड बैराज का पानी जो छोड़ा गया है वो यमुना में यहाँ दिल्ली में पहुंच जाएगा, जिस वजह से दिल्ली जो है यहाँ पर दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसी को देखते हुए जो दिल्ली सरकार है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार यहाँ पर स्थिति पर नजर बनाई गई है। इसी को देखते हुए, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लोहे का पुल है यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही है उसको रोक दिया गया है, लोगों को बस जो पैदल लोग जा रहे हैं उनके लिए रास्ता खोला गया है और जो लोग यहाँ पर वाहनों से जा रहे हैं उन्हें रोक दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो बैरिकेडिंग भी की गई है, चूंकि बताया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है कि अगले 36 से 48 घंटे दिल्ली वालों के लिए मुश्किल भरे हैं, इसी को देखते हुए, इसी खतरे को देखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता रोक दिया गया है और लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से और जो लोग हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर इमरजेंसी नंबर भी, जो हेल्पलाइन नंबर है, दो नंबर जारी किए गए हैं जिसमें लोगों को जिनको तकलीफ हो या किसी तरीके की मदद की अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो नंबर पर संपर्क करके वो यहाँ पर जो है प्रशासन से यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और लगातार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो यमुना के किनारे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये कार्य पिछले 2-3 दिनों से जारी है और अभी भी बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से शाम तक लगभग सभी लोगों को जो है यहाँ से किनारे से उन्हें टेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो खुद यहाँ से हटकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाए।